नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जिस तरीके से पूरे देश भर में रामचरितमानस को लेकर के बवाल मचा हुआ है और भी बिहार की जो राजनीतिक हलचल जो चल रही है, इन तमाम चीज़ों पे हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश यादव जी। ओम प्रकाश यादव जी, आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये है कि रामचरितमानस को लेकर के जो बयान शिक्षा मंत्री का विगत कुछ दिनों पहले आया और वो अभी तक बवाल मचा हुआ है, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? पहले तो एटीएन के पूरे टीम को और दर्शकों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। और जहाँ तक रामचरितमानस के बारे में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं शिक्षा मंत्री, उसकी निंदा करते हैं। शिक्षा मंत्री एक प्रबुद्ध और एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन इतनी निंदनीय बात उन्होंने कहा है जिससे सनातन धर्मावलंबी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, मर्माहत महसूस कर रहा है। उनकी बयान को जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी उनके बयान का समर्थन नहीं किया। रामचरितमानस आदर्श पुरुष बनाने की एक पुस्तक ही नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। राम जी ने मर्यादा सिखाया है कि पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने राजगद्दी छोड़ करके जंगल जाना कबूल किया। माँ के कई जिनके कारण वनवास गए, और जब वनवास से आते हैं तो पहले अपनी माता कौशल्या के पास न जा करके पहले केकई के पास जाते हैं। और यह परंपरा अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ करें, एक भाई का भाई के साथ क्या संबंध होना चाहिए, एक राजा का वहाँ के प्रजा के साथ क्या संबंध स्थापित करना चाहिए, इस सारी बातें उनमें बताया गया है, जिसकी राम राज की कल्पना हम लोग सब करते हैं। लेकिन एक शिक्षा मंत्री होकर इस अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। सर, सवाल ये है कि वो अभी तक अडिग हैं अपने जो जिन तक जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, तो आखिर वो विवादित बयान उन्होंने क्या दे दिया है जो कि आप लोग जो है कि उनका विरोध कर रहे हैं? विवादित बयान दिए हैं कि यह समाज में तनाव पैदा करने वाले पुस्तक है, समाज विकृत करने वाले, जबकि समाज को जोड़ने। अरे माननीय मंत्री जी, आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र गाथा में कि एक झूठा धोबी के कहने से अपने पत्नी को प्रत्याग कर देते हैं, पिता के कहने से राजगद्दी को प्रत्याग कर देते हैं। तो आप उस एक ऐसी पुस्तक जिसमें के कई के वजह से जंगल जाते हैं, और जब जंगल से वापस आते हैं 1400 वर्ष के बाद, तो पहले माँ के पास न जाकर के कई माता के पास जाते हैं। और इतना ही नहीं, सेवरी का जूठा बैर खाने का उसमें है। तो जात पात को तोड़ने वाली जो पीढ़ी है, उस पुस्तक में हमें अवलोकन मिलता है। हम लोगों को वह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है, हमने मानवता और इंसानियत सीख का पाठ सिखलाता है। आप उसको कहते हैं कि समाज में विकृतियाँ पैदा करती है, यह निंदनीय बात है। ओम प्रकाश जी, एक सवाल और है कि बिहार की जो राजनीतिक हलचल अभी चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है, ये क्या लंबा चलेगा, या फिर किस दो चार रोज से जो खबरें आ रही हैं कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कुछ अलग अलग तरीके का बयान भी आ रहा है? देखिए, बीमेल का गठबंधन है, ये महागठबंधन नहीं है, बीमेल का गठबंधन है। नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को हम लोग आदर्श पुरुष मानते थे, आज भी मानते हैं, बेचारे बिहार के उत्थान में उनका अहम योगदान रहा है, इस बात को हम लोग नहीं भूल सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सांसदों का टिकट काट करके नीतीश कुमार के पाले में दिया। नीतीश कुमार को कैसे लगा कि भाजपा हमारे दल को तोड़ना चाह रही है? कैसे क्या वह आरोप सिद्ध हो गए, क्या वह आरोप समाप्त हो गए, जिस आरोप के वजह से आरजेडी से तोड़ करके आप फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे? अरे नीतीश कुमार जी, पद बड़ा नहीं होता है, समय काल बड़ा होता है। वैभवशाली बिहार को बनाने के लिए, गौतम बुद्ध महावीर के बिहार को सजाने और संवारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की
शीर्ष नेतृत्व ने आपको मौका दिया था, आप उस मौके का लाभ उठाना चाहिए था। आरजेडी के लोग उनको शिखंडी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर इस तरह का लोग कहे होते, उनके खिलाफ अमर्यादित का भाषा का प्रयोग हमारे गुरुवर और हम लोगों के सीमान के ही रहने वाले माननीय टूना जी पांडे, उनके खिलाफ कुछ बयान दे दिए थे, विवादित बयान दे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया। आरजेडी के लोग आज नोटिस जारी कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि गाली गलौज सुनने से अच्छा है कि बिहार के हित में महागठबंधन से अलग होकर के उनको बिहार के हित की बात सोचनी चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने उन्हें गाली दे रहा है, शिखंडी कह रहा है, उनको उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर जाता है वह मर्यादित पद हो जाता है। अनर्गल आलाप नहीं करना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि गठबंधन महागठबंधन बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, निश्चित रूप में फूट आएगी और नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी के दामन थामेंगे। आप लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से एक बार नीतीश कुमार आएं और गठबंधन? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार वैभवशाली बिहार बने। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का जो गौरवमय इतिहास रहा है तक्षशिला महाविश्वविद्यालय का, बिहार का इतिहास रहा है दुनिया को लोकतंत्र देने का, वैशाली जिले से लोकतंत्र का उदय हुआ, उस बिहार को सजाना और संवारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोगों के संख्या बल अधिक होने के बाद भी हम लोग नीतीश कुमार को माने थे। हम लोगों का मंशा सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं, सरकार चलाना नहीं, राष्ट्र को और बिहार को वैभवशाली राष्ट्र बनाना है और बिहार को गौरवमय इतिहास प्रदान करना है। चूँकि आरजेडी में क्या था, लूचा लफंगा, अपहरण, हत्या, लूट, घट, आज तो वही घटनाएं ना हो रही है सिवान में और पूरे सूबे में, पूरे हमारे बिहार राज्य में अपराधी घटनाएं बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? आरजेडी के अपराधी घट छवि के लोग उत्पात मचा रहे हैं, नीतीश कुमार के मान के हैं नहीं, क्योंकि वो लोग सरकार में हैं। तो ऐसे गठबंधन में रहने से क्या फायदा, बिहार के लोगों का नुकसान हो रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। BMP Max Memorial मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ट रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903150। अब टेंशन से हो जाए मुक्त, क्योंकि न्यू कलावती मैरिज हॉल लेकर आया है आकर्षण पंडाल के साथ बहुत बड़ा कैंपस, और वह भी फुल्ली डेकोरेशन के साथ। शादी विवाह, मीटिंग या अन्य किसी भी अवसरों पर आज ही बुकिंग करें।
न्यू कलावती पैलेस मैरिज हॉल, पकड़ी बंगाली पकड़ी मोड़ से 1100 मीटर पूर्व सिवान। कॉल करें 9631261128। प्रोप्राइटर अजय कुमार प्रसाद। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के डॉक्टर पहली बार छपरा में, धड़कन क्लिनिक छपरा में डॉक्टर हिमांशु द्वारा हृदय डायबिटीज किडनी लीवर थायराइड मोटापा का संपूर्ण इलाज किया जाता है। धड़कन क्लिनिक में प्रत्येक बुधवार गुरुवार शुक्रवार रविवार को जांच होता है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्व बदलना, हृदय में छेद, बाईपास सर्जरी बिहार सरकार के अनुदान से कराने में सहयोग किया जाता है। हमारा पता है मंत्री जितेंद्र राय आवास, म्युनिसिपल चौक, छपरा।